हाय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूँगा जहाँ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा किसी विशेष चीज़ के लिए। उस जगह का नाम है कांचीपुरम। आपने कांचीपुरम सिल्क, कांचीपुरम साड़ियों का नाम ज़रूर सुना होगा, और कांचीपुरम को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कांचीपुरम घूम कर के आता हूँ। हमने एक स्कूटी हायर की और हम चल दिए कांचीपुरम की तरफ। चेन्नई से कांचीपुरम की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। तो अगर आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर से जा सकते हैं। मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आप दो ही व्यक्ति हैं या अकेले हैं तो फिर टू व्हीलर से जाइए, क्योंकि कांचीपुरम में घूमने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। वहाँ पर पार्किंग की कहीं कहीं पर व्यवस्था थोड़ी सी कम है। अगर आप स्कूटी या मोटरसाइकिल से जाने का प्लान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, और या फिर ऐसे दिन निकलें जिस दिन धूप ना हो, बारिश का मौसम हो या फिर छाया हो। जिस दिन हम निकले उस दिन थोड़ी सी बारिश की संभावना थी, इसलिए बादल थे, बीच बीच में धूप निकल आती थी, लेकिन फिर भी उतनी गर्मी नहीं थी। अगर आप एकदम गर्मी के दिनों में निकलेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए जर्नी थोड़ी सी टफ हो जाए। कांचीपुरम 48, मदुरई 428 एंड तिरुची 295। हम लोग आ चुके हैं कारासंगल। एग्जैक्टली ना हमें पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तमिल में लिखा है तो पता नहीं एग्जैक्टली जगह का नाम क्या, लेकिन गूगल ने बता रहा है कारासंगल है। तो हम लोग यहाँ, मौसम अच्छा है, थोड़ा चाय पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, अपनी स्कूटी को भी थोड़ा राहत देंगे और उसके बाद चलेंगे। मुझे लगता है ऐसे 45 किलोमीटर बचा है कांचीपुरम यहाँ से, तो आधी डिस्टेंस कवर हो चुकी है लगभग। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर खा पी के चलेंगे। मेरा हमेशा की तरह आपको यही सजेशन है कि आप बिल्कुल सिंगल रन पे ना जाएं, बीच में रुक रुक करके जूस या फिर चाय या फिर स्नैक्स लेते रहें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। अपोलो टायर है या हॉस्पिटल है? अपोलो टायर है। यस, नीचे के ऊपर अपोलो टायर। बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्ट्री है। वाराणसी कोई प्लेस है, यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से बस 24 किलोमीटर हमारी जर्नी बची है। हम रेनिंग टाइम और उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे थे चेन्नई के लिए। हमें देखना चाहिए था कांचीपुरम के लिए। हो सकता है कांचीपुरम में बारिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। ये रोड इतना चौड़ा है हाईवे की तरह, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, और अगल बगल नारियल के पेड़, पानी लगे हुए खेत इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। और बहुत दूर लग रहा है बारिश हो रही है, क्योंकि काले बादल हैं और हवा बहुत ठंडी है, तो शायद बारिश हो रही है आगे, और रिफ्लेक्शन से लग भी रहा है कि बारिश हो रही है वगैरह, यहाँ तो नहीं हो रही है। हमने ट्रेन की रेन की प्रोबेबिलिटी देखी थी, तो यहाँ तो बहुत कम दिखा रहा था चेन्नई में, लेकिन देख करके लग रहा है कि कांचीपुरम साइड बारिश हो रही है। वेल्लोर 95 बचा है, और ये क्या है, चेंगलपट्टू 29 बचा है। हम ऐसे आलसी आती है ना, बैठ बैठ के चलते हैं, हमारी स्कूटी और हम तीनों लोग आलसी हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। इसका नाम भी है लजोरा। लेजी आदमियों के लिए लजोरा में रुके। इतना बच्चा कैसे खाती हो तुम मैगी फैला फैला के? ऐसे कौन खाता है मैगी फैला फैला के?
बच्चों की तरह खाती हो क्या अनु? देखो कैसे पलाया, अभी चाय बच गई पला। कैसा है खाने में मैगी? बसें जा रही हैं वैसे कांचीपुरम के लिए। स्टार्ट हो गई है यहाँ से, एकल मार्ग स्टार्ट प्रारंभ है। उचित दूरी बनाए रखें, कुछ हम कुछ ना करें, सोशल सामाजिक दूरी बनाए रखें। नारियल आने पर गति अवरोधक का सम्मान करें। अब इसको जगह का नाम है वेंगुड़ी और ये छोटा सा गांव टाइप का लग रहा है, लेकिन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट की वजह से यहाँ का आवागमन बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, बसेस काफ़ी आ जा रही हैं, सरकारी बसेस, प्राइवेट बसेस। लेकिन उस तरफ देखिए यहाँ पर कांचीपुरम में प्रवेश करने वाले थे तो उससे पहले जो गांव थे वहां पे लगभग हर 200-300 मीटर में एक छोटा सा मंदिर था जो बहुत वेल मेंटेन नहीं था, लेकिन हर 200-300 मीटर पे एक मंदिर मिल जा रहा था। ये एक पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में, और सामने आप देख रहे हैं एक टेंपल दिख रहा है। ये थोड़ा बड़ा टेंपल लग रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ के टेंपल का नाम पढ़ने में, जो हम पढ़ नहीं पाते, गूगल ट्रांसलेटर का हमें उपयोग करना होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में मैं आपको लेकर के आऊँगा पहले मंदिर के दर्शन से। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। बाय बाय, टेक केयर। Oh, oh,